हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल टू टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स क्विज। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस या अन्य जिस भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। एंड इस कोर्स को प्रस्तुत किया है मैंने, नैना दुबे। ये वीडियो आपको सुबह 7 से 8 के बीच में अपलोड हो जाती है और ये सभी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, आज 28 दिसंबर है, बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स से कि कौन से राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे रेल मार्ग पुल बोगीबिल पुल का उद्घाटन किया है। सेकेंड क्वेश्चन है, किसने राज्य के बाल देखभाल संस्थान का नाम बदलकर जगन्नाथ आश्रम किए जाने की घोषणा की है। एंड द थर्ड वन, बिजबोर्ड नामक मैसेजिंग ऐप आई है कि किस देश ने लॉन्च की है। तो ये हो गए करंट अफेयर्स पार्ट के क्वेश्चंस। एंड स्टैटिक्स आप मुझे बताएंगे, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आज के बनते हैं 4 क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, एक हिंट है कि ये दोनों एक ही राज्य के राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको बताने हैं कि ये दो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सो आज के बनते हैं 4 क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और कल के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था, नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। तो देखिए, ये था 100 रुपये का सिक्का इन्होंने जारी किया है। सुशासन दिवस कब मनाया गया, ये मनाया गया 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस रहता है, जिसे ही गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, सुशासन दिवस के रूप में, और ये मनाया गया 25 दिसंबर को। एंड द थर्ड वन, किस राज्य में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए, ये भी इनके जन्मदिवस 25 दिसंबर को नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा नई दिल्ली में सदैव अटल का उद्घाटन किया गया है। स्टैटिक्स से मैंने पूछा था, मानस नेशनल पार्क किस राज्य में है, ये असम में है। औरंग नेशनल पार्क भी असम में है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना डेली करंट अफेयर्स क्विज। एंड आप मुझे अनअकैडमी पे भी नैना दुबे नाम से देख सकते हो, वहाँ भी लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा 7वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार का आयोजन किया गया है। 7वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार का आयोजन किया जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। ये वो करेंगे फरवरी में, 2019 के फरवरी महीने में ये करेंगे। तो हमारे ऑप्शन है ए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इसके मंत्री है राजवर्धन सिंह राठौर जी, सूचना और प्रसारण सचिव है अमित खरे जी, और मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य मुक्केबाजी कोच के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। तो भारत के मुक्केबाजी की जो टीम है उसके नए कोच नियुक्त हुए हैं और इनका नाम है CA कुटप्पा, ठीक है। और देखिए, ये SR सिंह को रिप्लेस करेंगे और उनकी जगह लेंगे, इनका नाम है CA कुटप्पा, जो कि मुक्केबाजी कोच नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तानसेन सम्मान से किन्हें नवाजा जाएगा। तानसेन सम्मान से नवाजा जाएगा मंजू मेहता को, ये एक सितार वादक है और मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा इन्हें तानसेन सम्मान 2018 के लिए चुना गया है। संगीत में इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है, उस योगदान के लिए मंजू मेहता को तानसेन सम्मान से नवाजा जाएगा। इन्हें 2 लाख रुपए और स्मृति चिन्ह प्रदान की गई है और ये 25 दिसंबर को तानसेन संगीत समारोह के उद्घाटन समारोह में ही इन्हें नवाजा गया, ठीक है। मंजू मेहता को नवाजा गया, ऑलरेडी 25 दिसंबर को इन्हें तानसेन सम्मान मिल चुका है। तो हमारे ऑप्शन हो गए बी, मंजू मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल शुरू किए हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरनेशनल स्कूल शुरू हुए हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे स्टार्ट किया गया है और ये राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन हो जाते हैं हमारे सी, महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र में मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे इंटरनेशनल स्कूल शुरू हुए हैं, जिनका उद्देश्य ये है कि इंटरनेशनल सिलेबस को शुरू करना और इंटरनेशनल पाठ्यक्रम को हमारे इंडिया में लाना। इस उद्देश्य से इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल्स को मुंबई में स्टार्ट किया है। ऑप्शन है सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में डिजिटल हरियाणा पहल के तहत 485 योजनाएं शुरू की गई है। डिजिटल हरियाणा
तो ये शुरू किया गया है हरियाणा में ही, जिसके अंतर्गत 485 योजनाएं हैं। डिजिटल भारत का ये पहला राज्य बन गया है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 4,000 अटल सेवा केंद्र, 22 जिला मुख्यालय पट, उपमंडल स्तर पर 51 और तहसील स्तर पर 20 अंत्योदय सरल केंद्र शुरू किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ एक टोल फ्री अंत्योदय हेल्पलाइन नंबर का भी उद्घाटन किया गया है। तो इस अनुसार डिजिटल हरियाणा पहल के तहत 485 योजनाएं जो है वो हरियाणा में शुरू की गई है। और हरियाणा के बारे में आप ध्यान दे सकते हैं, राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, राज्यपाल है श्री सत्यदेव नारायण आर्य, राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण है अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण, ये इंपॉर्टेंट है, छिलछिला एग्जाम्स में पूछा जाता है, खपरवास वन्य जीव अभ्यारण और नाहर वन्य जीव अभ्यारण, नाहर भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप हरियाणा के बारे में जान सकते हो, क्योंकि हमारे ऑप्शन आए थे ये हरियाणा, तो हरियाणा के बारे में भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाटा कॉफ़ी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो टाटा कॉफ़ी के जो प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी मतलब MD एंड CEO के रूप में जो नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है चाको पुरेकल थॉमस। ऑप्शन है हमारे ए, चाको पुरेकल थॉमस, और ये रिप्लेस करेंगे संजीव सरन को। संजीव सरन 2019 में 31 मार्च को रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद उनके पद को ग्रहण कर लेंगे चाको पुरेकल थॉमस। ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2019 में इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन से बाहर होने की घोषणा की है? तो ये देश है जापान। वेलिंग कमीशन जो वेल मछलियां जो होती है ना, उस पर यह शिकार पर प्रतिबंध लगाती हैं और उस पर वो ध्यान देती है ये कमीशन। तो इस इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन से जो देश बाहर हो जाएगा 2019 में, ये है जापान। ऑप्शन हो जाते हैं हमारे सी, ये जुलाई 2019 से अपने ये खुद अपना स्टार्ट करने वाला है। तो ये अपने क्षेत्रीय जल और विशेष आर्थिक क्षेत्र में वेल के जो वेल मछलियाँ होती है उसके व्यावसायिक शिकार को फिर से शुरू करेगा अलग होके। तो ये इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन से हट जाएगा। जापान जो है आइसलैंड और नॉर्वे के साथ शामिल हो गया है जो वाणिज्यिक वेल शिकार पर जो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन के जो प्रतिबंध है का विरोध करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है इस अनुसार हमारे सी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ आप देख सक रहे हो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और जापान के बारे में भी ध्यान दे सकते हैं कि राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है जापानी येन और प्रधानमंत्री है शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए ये राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में देहरादून में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ किया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इनका उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य हम जान रहे हैं आयुष्मान भारत का, कि प्रत्येक राज्य में प्रत्येक परिवार 5 लाख रुपए सालाना तक चिकित्सा का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, तो ये राज्य है अभी अभी जहाँ शुभारंभ हुई है, ये है उत्तराखंड। ऑप्शन हो जाते हैं हमारे ए। और उत्तराखंड के बारे में आप ध्यान दे सकते हो, मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, राज्यपाल है श्रीमती बेबी रानी मौर्य, नेशनल पार्क है वहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये सारे इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जाम्स में आते हैं, तो आप इसमें ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद रफ़ी अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? मोहम्मद रफ़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया, दो लोगों को सम्मानित किया गया है। मैंने इन दोनों को इस ऑप्शन में रखा है, एग्जाम्स में कोई एक पूछे जाएंगे, बट आप इन दोनों का नाम याद रखिए, लक्ष्मीकांत शांताराम कुडालकर और ऊषा टिमोथी। हमारे ऑप्शन दोनों हैं ए एंड बी। इन दोनों को मोहम्मद रफ़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लक्ष्मीकांत शांताराम कुडालकर आपके स्वर्गीय संगीतकार हैं, इन्हें मोहम्मद रफ़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। 1 लाख रुपये नगद पुरस्कार दिया गया और एक ट्रॉफी दी गई है। और उषा टिमोथी जी को भी 51,000 रुपये नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी दी गई है। ठीक है, ये मुंबई में इन्हें नवाजा गया। तो ये सारी चीज़ें आप इनके बारे में ध्यान से रखिए, हमारे ऑप्शन है ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ आप देख सक रहे हो ये स्वर्गीय संगीतकार है लक्ष्मीकांत जी, एंड ये हैं उषा टिमोथी जी, इन्हें भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बडूगा समुदाय ने अपना वार्षिक हेदाई मेन उत्सव मनाया है? अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि हेदाई मेन उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो देखिए ये इन्होंने मनाया है तमिलनाडु में। हमारे ऑप्शन है सी, तमिलनाडु के जो नीलगिरी जिला पड़ता है तमिलनाडु में, वहाँ ये क्या करते हैं हेदाई मेन उत्सव के तहत ये
ये 48 दिन का उपवास रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं 48 दिनों का, उसमें ये धार्मिक जुलूस निकालते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। तो ध्यान ये रखना है कि हिदाई मेन उत्सव जो है ये तमिलनाडु के में मनाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ दिया गया है कि बडूगा समुदाय, तो बडूगा समुदाय क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि यह नीलगिरी जिले में इस समुदाय के द्वारा ये मनाया जाता है, तो नीलगिरी में एक स्वदेशी जनजातियों का समूह है और उस जिले के 400 से अधिक जितने भी दूर रहने वाले पहाड़ी गांव में जो लोग रहते हैं ना, उन लोगों को ही बडूगा समुदाय कहा जाता है। तो वही हिदाई मेन उत्सव को मनाते हैं हर साल। तो हमारे ऑप्शन क्या हो गए, सी तमिलनाडु। और तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान आप ध्यान रखिए, मधुमलई राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एंड गुवंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये पांचों इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चिकित्सा उपयोग और अनुसंधान के लिए मारीजुआना और केट्रिम के लाइसेंस प्राप्त उपयोग को मंजूरी दी है? तो देखिए ये देश है थाईलैंड, हमारे ऑप्शन है बी थाईलैंड। थाईलैंड ने मारीजुआना और केट्रम का जो लाइसेंस है उसके लिए इन्होंने मंजूरी दे दी है। इस तरह की कार्यवाही करने वाला दक्षिण पूर्व का ये पहला देश बन गया है थाईलैंड, ठीक है, जिन्होंने मारीजुआना और केट्रम को लाइसेंस प्रदान किया है। आप यहाँ देख सकते हो इस तरह के ये कुछ पौधे हैं, तो इन्होंने मारीजुआना के लिए क्या कहते हैं इसे अपनी लाइसेंस दे दिया है, इसे मंजूरी दी है, ठीक है, तो थाईलैंड ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 4 महीने के लिए सरकार ने दूध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध बढ़ाया है? किस देश से, किस देश से 4 महीनों के लिए, और कि वहाँ के जो दूध उत्पाद मतलब दूध का जो आयात होता था उस पर बैन लगाया गया है कि वो अभी नहीं आ सकता है दूध, वो किस देश से नहीं आ सकता है? तो ये नहीं आ सकता है चीन से, हमारे ऑप्शन है डी। इस पर आप ध्यान रखिएगा, ये न्यूज़ में भी थी। इसमें क्या हुआ है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय जो है उन्होंने 23 अप्रैल 2019 तक के लिए चीन से 4 महीने के लिए चॉकलेट सहित दूध और उसके उत्पादों से जो भी चीज़ बने हैं उनके आयात पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे डी।